चांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम आम गांव में हुई चोरी का खुलासा करते हुए चांद थाना प्रभारी डीएसपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व में चोरी की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार चल रहे थे। चांद थाना प्रभारी द्वारा टीम का गठन किया गया। आरोपियों की तलाश मुखबिर की सूचना पर आरोपी टाप निवासी नरेश रघुवंशी पिता श्रीपाल रघुवंशी राजकुमार पिता विपतलाल कुमरे चोरी के आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी को जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी के पास से चोरी किया गया सामान जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका आरक्षक सतपाल बघेल गुरुमत जितेंद्र बघेल चंद्रशेखर सोनी की रही। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 392 492 IPS के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेजा गया। हमने पकड़े हैं लूट के प्रकरण में लितेश रघुवंशी उर्फ मित्तू ये टाप का रहने वाला है और एक राम कुमार कुमरे ये रामपुरी के रहने वाले हैं। इन्होंने आम गांव में कमलेश चौरसिया के घर में रात को 3 बजे घुसकर लूट की थी। पत्नी के गले से मंगलसूत्र चुराया था और गोदरेज अलमारी से सोने के जेवरात और 58 रुपये नकदी चुरा के ले गए थे, भाग गए थे। सर आरोपियों के पास से क्या क्या चीज जब्ती हुई है? ये प्रार्थिया की शिकायत पर हम लगातार ट्रेस कर रहे थे इन लोगों को। कल हमने इनको पकड़ा और जब्ती बनाई तो नितेश रघुवंशी जो टाप के रहने वाला है इसने पूरा जेवरात अपने पास रखा हुआ था। इसके पास एक मंगलसूत्र जिसमें 11 पत्तियां सोने की और एक सोने का मेन पेंडेंट होता है उसमें 12 छोटी छोटी सोने की गुड़ियाँ थी, एक सोने की अंगूठी, कान की एक झुमकी और कान का एक झाला, ये नितेश रघुवंशी से मिला। और राम कुमार गौंड के पास से 58 रुपये नगद मिले। सर ये जो सोने की जो लगभग अनुमानित कीमत कितनी होगी? सोने की कीमत हमारी अनुमानित लगभग 61,000 रुपये है। ठीक है सर, बंद करो। सिटी इन लाइव हमेशा समाचार के साथ।